वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ा प्रसाद या जिसे आटे का हलवा भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए हमें कोई भी कप या कटोरी का मेजरमेंट ले लेना है। मैंने एक कटोरी ली हूँ, एक कप आटा गेहूँ का, एक कप ही शुगर है और एक कप ही घी है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक कटोरी जो चीनी हमने ली है ये डालेंगे। इसी के साथ हम जितना आटा लिया है उसका डबल पानी डालेंगे, तो दो कटोरी ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और अब इसे हम शक्कर घुलने तक पकाएंगे। इसकी हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस शक्कर और पानी को पानी में घुल जाने देना है। बस इसे हम दूसरे चूल्हे पर रख देते हैं। अब एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम एक कटोरी घी डालेंगे, एक कटोरी आटा डालेंगे। इसे एकदम धीमी धीमी आंच पर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए सौंधी से खुशबू और सब पूरा कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन, तब तक हमें भूनना है। तभी कड़े प्रसाद का वो स्वाद और टेक्सचर आएगा। ये आटे का मिक्सचर हमारा अच्छा भून चुका है, कलर भी इसका पूरा चेंज हो चुका है और अच्छी सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने जो शक्कर और पानी को मेल्ट करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। थोड़े से मिक्स करेंगे अच्छे से, गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा देंगे इस समय पे। फिर हम जैसे ही पानी डालेंगे उसके बाद ये एकदम से गाढ़ा होने लगेगा। इसे पानी पूरा अब्सॉर्ब होने तक पकाएंगे हम। और शक्कर को हम मेल्ट करके डालते हैं तो वह पूरी तरह से हलवे में अच्छी तरह से फ्लेवर भी दे, लग रहा है ना पूरा गुरुद्वारे वाला कड़ा प्रसाद, चटपट से बन जाने वाला। इसे भूनने में हमें कम से कम 8 मिनट लगे हैं। ये देखिए हलवे ने पूरा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। इसी कंसिस्टेंसी देखिए, बस आप हलवा बनाते समय जिस भी मेजरमेंट से रेशियो नापे वो सब चीज़ें एक समान लें और पानी उसका दुगना कर लें। आटे का हलवा या कड़ा प्रसाद बनकर तैयार है। ये देखिए घी भी कितना अच्छा लग रहा है ना एकदम। कड़ा प्रसाद बनकर तैयार है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, मेरे चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।